बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हर अफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, दीन दुनिया आखरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखने नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत बला और तकलीफ से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं 8 डिफरेंट किस्म की आइसक्रीम, वो भी सिर्फ एक आइसक्रीम बेस को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम आइसक्रीम बेस को तैयार कर लेते हैं और आइसक्रीम बेस को तैयार करने के लिए हमें सिर्फ चाहिए 2 इंग्रेडिएंट। हमें यहाँ पे चाहिए क्रीम, यहाँ पे हमने क्रीम ली है 500 ml, और हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, यहाँ पे हमने कंडेंस मिल्क लिया है 400 ml। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा सारा कंटेनर। इस कंटेनर को हमने तकरीबन आधा घंटा फ्रीजर में रखा है और फ्रीजर में निकालने के बाद इसी कंटेनर में हम सबसे पहले डालेंगे क्रीम, और क्रीम को हम कर लेंगे अच्छी तरह से बीट। और स्लोली इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे व्हिप क्रीम हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं हमें रेडी करने में। और यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि व्हिप क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है? तो व्यूअर्स, यहाँ पे जब हम हैंड मिक्सर को निकालेंगे तो क्रीम अपनी शेप को होल्ड कर लेगी। आप देख सकते हैं क्रीम दोबारा से गिर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं इसको स्पैचुला में डाल के। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रीम जो है वो स्पैचुला से नीचे नहीं गिर रही, तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है, हमें ऐसी ही व्हिप क्रीम रेडी चाहिए। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें डाल देते हैं कंडेंस मिल्क। और व्यूअर्स, हम इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने क्रीम और कंडेंस मिल्क को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट और बीट कर लेंगे। ये तो व्यूअर्स, यहाँ पे आइसक्रीम बेस हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूदी और बहुत ही जबरदस्त किस्म की। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने 8 आइसक्रीम के फ्लेवर जो हैं वो पसंद किए हैं, जिनमें हैं कार्मल फ्लेवर, किटकैट, चॉकलेट, पिस्ताशो, ओरियो, ब्राउनी, मैंगो विथ टूटी फ्रूटी और वनीला आइसक्रीम। तो चलते हैं आइसक्रीम को ड्रेसअप करने की तरफ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का कप जो है वो इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पेपर कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि कप जो है वो हैवी ड्यूटी हो, सॉलिड हो। तो चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लेवर की तरफ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो फ्लेवर इस्तेमाल किया है वो है मैंगो फ्लेवर। तो यहाँ पे हम डालेंगे आइसक्रीम कप के अंदर। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं बताते चलूँ, यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं है, आप जितना भी पसंद करते हैं, ज़्यादा कम आप उतना इसमें डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने मैंगो की प्यूरी बना के रखी थी, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और साथ यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी जो है वो भी डाले हैं इसके अंदर। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो व्यूअर्स, मैं इसमें मैंगो जो है कि प्यूरी उसकी और ऐड करूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा एक फ्लेवर मैंगो विद टूटी फ्रूटी रेडी हो चुका है। चलते हैं अपने दूसरे फ्लेवर की तरफ। जी तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं सेकंड फ्लेवर की तरफ। तो ये हमारा है प्लेन वनीला फ्लेवर। तो व्यूअर्स, इसमें हम डाल देंगे व्हाइट चॉकलेट चिप और साथ हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 ड्रॉप वनीला के, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारी वनीला सिंपल वनीला आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। जी तो व्यूअर्स, नेक्स्ट फ्लेवर है हमारा चॉकलेट ब्राउनी फ्लेवर। इसमें हम डालेंगे चॉकलेट सिरप
और इसमें हम डालेंगे ब्राउनी। ब्राउनी हम ज्यादा डालेंगे क्योंकि ब्राउनी बच्चों को बहुत पसंद है। अब इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। तो व्यूज ये हमारा चॉकलेट ब्राउनी फ्लेवर रेडी है जी। तो व्यूज अब हम बनाएंगे पिस्ताशू फ्लेवर। यहाँ पे हमने पिस्ते जो हैं उनको बारीक बारीक मैश कर लिया था। यहाँ पे हमारे पास है ग्रीन फूड कलर और इसका सिर्फ एक डिप जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। तो व्यूज ये हमारा पिस्ताशू आइसक्रीम फ्लेवर रेडी है जी। तो व्यूज नेक्स्ट फ्लेवर है हमारा ओरियो कुकी फ्लेवर्स। ये भी बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए हमने यहाँ पे दो ओरियो कुकीज जो हैं वो इसके अंदर डाले हैं। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हो चुकी रेडी जी। तो व्यूज नेक्स्ट हमारा फ्लेवर है चॉकलेट आइसक्रीम। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून लिया है कोको पाउडर का। यहाँ पे हमने लिया है प्लेन चॉकलेट बार, कोई सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिए थोड़े से चोको चिप, वो हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरीके से हम इसको कर देंगे मिक्स। और ये हमारी रेडी हो चुकी है चॉकलेट आइसक्रीम जी। तो व्यूज अब हम बनाएंगे फ्लेवर किट कैट। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे हर्षी का चॉकलेट सिरप, वो हम डालेंगे किट कैट और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये हमारा किट कैट का फ्लेवर रेडी। तो व्यूअर्स यहाँ पे मेरा फेवरेट और लास्ट फ्लेवर जो है आइसक्रीम का वो है कारमल फ्लेवर। इसमें हम डालेंगे कारमल सिरप। मैं एक्स्ट्रा डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और इसमें हम डालेंगे मिल्की वे चॉकलेट बार और इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और ये आपकी कारमल फ्लेवर आइसक्रीम रेडी जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे 8 डिफरेंट किस्म के आइसक्रीम के फ्लेवर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि किट कैट, प्लेन चॉकलेट और ब्राउनी, इन सब के कलर्स जो है मिलते जुलते हैं जिससे हम कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ कि कौन सा ये फ्लेवर है। तो हमने जिस रैप में से ये बार्स या चॉकलेट्स निकाली हैं उन्हीं के रैप में से हमने छोटे से वर्ड्स जो हैं वो काट लिए हैं और उनको हमने कप पे लगा दिया। जैसे कि ये चॉकलेट प्लेन चॉकलेट फ्लेवर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्राउनी फ्लेवर है, ये ओरियो है इसका तो पता चल जाएगा, और ये है हमारे पास किट कैट फ्लेवर, और यहाँ पर हमारे पास मिल्की वे है जो हमने कारमल फ्लेवर बनाया है, और मैंगो और वनीला और पिस्ताशो ये हमको पता चल जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक फॉलिंग रैप से रैप कर देते हैं जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने तमाम कप जो हैं वो साइडों से क्लीन कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब वन बाय वन करके हम इन कप्स को पकड़ेंगे और इस तरह से टैप कर देंगे ताकि इनकी जो एयर है वो निकल जाए और ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। और सब हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे हमने लिए हैं फॉइलिंग रैपिंग पेपर, उनके हमने पीस इस तरह से 8 कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम 1 by 1 एक कप लेंगे और उसको इस तरह से फॉइलिंग रैप से हम कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम सब इस तरह से रेडी कर लेंगे जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने तमाम आइसक्रीम के कप को फाइलिंग रैप से रैप कर लिया है और अब हम इसको 2 से 3 घंटे फ्रीजर में फ्रीज करेंगे जी। तो यहाँ पे आइसक्रीम को ऑलमोस्ट फ्रीजर में फ्रीज किए 3 घंटे हो चुके हैं। अब हमने इसको फ्रीजर से निकाला है, एक कप हम खोल के देखते हैं और चेक करते हैं। परफेक्ट, जबरदस्त व्यूअर्स, ऐसा ही हमें इसका लुक चाहिए था कि साइडों से ये सख्त और दरमियान में ये सॉफ्ट। अब इसको हम अच्छी तरह से सारी को फिर मिक्स करेंगे। इसी तरह से हम सबको खोल के मिक्स करेंगे दोबारा से
तो यहाँ पे एक हम अच्छी तरीके से मिक्स कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बाकी भी लुक में सब सेम है, साइडों से सख्त और दरमियान में नरम। अब हम इन सब को बारी बारी इसी तरह से अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन सभी हम कर चुके हैं आइसक्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स। ये लास्ट रह गई है पिस्ताशो, ये आप देख सकते हैं माशा से इसका कलर कितना जबरदस्त आया है। जी तो व्यूअर्स, सारी आइसक्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे सारी आइसक्रीमों को। जी तो आइसक्रीम को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद अब इन सबको अच्छे तरीके से टैप कर लेते हैं। और अब इनको फिर हम उसी पेपर से, फाइलिंग पेपर से इनको रैप कर लेते हैं। सबको अब हम रैप कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब इनको रैप करने के बाद हम ओवर नाइट के लिए इसको फ्रीजर में फ्रीज करेंगे। तो मिलते हैं ओवर नाइट के बाद। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आइसक्रीम को फ्रीजर में फ्रीज किए हुए ओवर नाइट का टाइम गुजर चुका है और अब हम अपनी आइसक्रीम को निकाल के आपको उसका लुक दिखाते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पे कुछ सेटअप किया है। यहाँ पे हमने एक डिश ली है, उसमें हमने आइस रखी है और उसके ऊपर हमने एक बड़ी सारी प्लेट रखी है। इसमें हम अपनी आइसक्रीम को निकालेंगे ताकि हमारी आइसक्रीम जो है वो मेल्ट ना हो। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल लिया है। एक एक करके हम आइसक्रीम को खोलेंगे और आपको इसका लुक जो है वो दिखाएंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप एक और स्टेप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक नाइफ लेनी है, उसको चारों तरफ से ऐसे आपने सर्कल करना है। ये आप देख सकते हैं कि स्पेस जो है वो साइडों से निकल आई है। अब आपने इसको इस तरह पुश करना है। और ये आप देख सकते हैं ये वनीला फ्लेवर जो है ये हमारा आराम से निकल आया। व्यूअर्स, अब हम इसी तरह से सारी आइसक्रीम निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने सारी आइसक्रीम जो है वो निकाल ली है एक डिश में। अब हम इनको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। ये ओरियो और पिस्ताशो के ऊपर हम थोड़े से पिस्ते डाल देंगे इस तरह से। और मैंगो आइसक्रीम के ऊपर हम थोड़ा सा मैंगो का पल्प डाल देंगे। और ऊपर डाल देंगे टूटी फ्रूटी। और ये है ब्राउनी फ्लेवर, इसके ऊपर हम थोड़ी सी ब्राउनी डाल देंगे। ये हो गया टिक टैक फ्लेवर, किट कैट सॉरी। और यहाँ पे हमारे पास आ गया वनीला फ्लेवर, इसके हम वाइट चॉकलेट डाल देंगे इस तरह से। ये हमारे पास हो गया चॉकलेट फ्लेवर तरह से, चॉकलेट हम डाल देंगे इसके ऊपर। अब रह गया कारमल फ्लेवर, इसके ऊपर हम कारमल का सिरप डालेंगे। ये इस तरह से। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि 8 डिफरेंट किस्म की आइसक्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है और हमने इसको डेकोरेट भी कर दिया है। और अब हम आपको इसको कटिंग करके भी दिखाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे 8 डिफरेंट किस्म की आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। हमने इसको डिश आउट भी कर दिया है और हमने इसको डेकोरेट भी कर दिया है। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये बहुत ही देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें,
फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। व्यूअर्स, इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाजत। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।